यार क्या करें, ये अभी इतने समय कोरोना चल रहा है, कुछ इनकम भी नहीं हो रही है, तो क्या करें। सोच रहे हैं जितने रुपए बचे उससे एक ही पेड़ वेड़ कटवा के ये एक खूब बड़ा फ्लैट खड़ा कर दे इधर, या फिर होटल खड़ा कर दे, तो शायद जो है इतनी जमीन बहुत सारे रुपए आएंगे। तो ये कह रहे आज अपने छोटे भाई से मिलके सारी इसकी डील वील कर देंगे, मतलब इसका पूछ लेंगे सही से, और साथ में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी मिलना है तो उससे भी मिल लेंगे। भाई ये तुमसे एक छोटी बात करनी, छोटी सी बात करनी, जाए लड़ाओ। हाँ बोलो भाई। भाई तुमसे एक बात करनी थी, हम ये कह रहे थे कि अभी लॉकडाउन चला तो इनकम ठप ही हो गई एकदम से, तो क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि इधर जो अपना गार्डन साइड एरिया है तो उसमें हम कह रहे हैं कि फ्लैट खड़ा करवा रहे हैं, फिर होटल खड़ा करवा रहे हैं, पेड़ वेड़ काट के फालतू के, तो चलेगा नहीं। क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो, पेड़ को काटने की बात कह रहे हो, इतने मेहनत से पेड़ उगाए उनको काटने की बात कह रहे हो, कोरोना चल रहा है और तुम उसमें कह रहे हो कि पेड़ काट दो, पेड़ काट दो कि ऑक्सीजन कैसे देंगे, केवल आसपास में हम लोग की जो इधर सिटी है, इधर हम लोग की जो गली है उधर आसपास में केवल 5-6 पेड़ होंगे, हम लोग घर में उनमें से एक पेड़ हम लोग क्या है, और तुम कह रहे हो काट लो, काटे कैसे तुम बताओ ना, क्या काटे कैसे, क्या है कह रहे हो, पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ क्यों नहीं काट सकते, हम लोग का घर, हम लोग का पेड़, कोरोना चल रहा है तो क्या हुआ, काट दो एक बार, फ्लैट बन गया फिर ऊपर खूब सारे पेड़ उगा लिए जाएंगे यार, अभी छोड़ो कटने दो, क्या रखा है इन पेड़ों में, क्या रखा है बताओ ना, इनमें क्या रखा है, नहीं वो होटल फ्लैट बनवाने के बाद चाहे जितने पेड़ उगा लो हम नहीं जानते, ये पेड़ नहीं कुटेंगे, ये इधर जो एक पेड़ है ये हम लोग का पूर्वज है, इधर नीम, हम लोग इनको नीम बाबा कहते हैं, छोटे में हम लोग इनको इनके ऊपर झूला झूलते थे, सब कुछ करते थे, उधर भी हम लोगों ने उगाया, हम लोग पापा लोगों ने उगाया, वो वाले पेड़ है सारे, अगर हम लोग इन सबको काट देंगे तो अभी देख ही रहे ऑक्सीजन कितनी कमी है, ऑक्सीजन नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं, कहाँ से करोगे। तो क्या तुम्हारा, जब से हम आए बोल रहे हैं कि चलो होटल फ्लैट बना ले रहे हैं, तब से तुम अपना ट्रीज का भाषण शुरू कर रहे हो, पौधों का भाषण शुरू कर रहे हो, नहीं सुनना हम खुद ही कर लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ भागो, तुम करो, हम तुम्हें कर नहीं दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, हम इनको कटने थोड़ी ना देंगे, ऐसे बात ही करने बेकार है, इसके पास चले कहाँ से, पूरा मूड बेकार हो गया, अब जो करना खुद ही करेंगे, फालतू में इसके पास चले गए यार है। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे नंबर वन में उसके पास जाएंगे, अभी उसका अपॉइंटमेंट लेते हैं। अरे यार अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, वेबसाइट ही नहीं खुल रही, मिल गया, अरे वाह मिल गई वेबसाइट, अरे वाह मेरा नंबर भी फिक्स हो गया, कब आना है, अभी आधे घंटे बाद ही का नंबर है, लेकिन अभी आधा घंटा है कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, तब तक क्या करें, सो रह रहे हैं, चलो। अरे लेट हो गया, इतनी देर से अलार्म बज रहा, हम जगे ही नहीं, जल्दी से पहुंचना होगा, और यार हम कितना लेट हो गए, तो अब तो शायद अपॉइंटमेंट मिले भी ना मिले, पता नहीं क्या है। आपका नंबर आ गया, आप जाइए। ठीक है चलो, अच्छा भगवान मिलेगा नंबर। अमीन मैम। यस मैं, मिस्टर अभी है ना? हाँ, मैं आपको जानती हूँ। हाँ हमने आपके यहाँ से वो अपॉइंटमेंट ली थी, तो
अभी हम वही के लिए आए, अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा लेट हो गया बस। अरे वो लेट हो गया पता नहीं कुछ रीजन से लेट हो गया। इट्स ओके। तो वो हमने आपके लिए अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था क्योंकि हमें आपसे वो मतलब हम मेरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है उधर हम लोग को ट्रीज व्रीज कटवा के एक खूब अच्छा आलिशान सब बंगलो या फिर जो भी आप बना सकते हैं फ्लैट होटल कुछ भी हम लोग को ऐसे फ्लैट चाहिए। फ्लैट बना दीजिए 3-4 खंड का आराम से 5-6 खंड का ऐसे ही। तो वो इसलिए हम लोगों ने लिया। तो इसके लिए हमने एक स्लिप तैयार की हुई है वो ये लीजिए। ये हमने स्लिप की बात हम कर रहे थे वो ये है, इधर आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये इसमें इसका ये एरिया बाई एरिया फीट है और ये सब इसकी वो है। तो देख लीजिए ये कितने बजट में बन सकता है। हाँ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, हम एरिया सब कुछ करवा देंगे, हम आपके पेड़ भी कटवा देंगे। आपके इस का बजट आएगा अराउंड 50 लाख। 50 लाख के 15 लाख हमें अरे आपसे मिस्टेक हो गई, हमें 5-6 खंड का फ्लैट बनवाना था। 15 लाख। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर हम आपको चेक से पेमेंट करेंगे। आप फिर इस स्लिप को अपने पास ही रखिए, इस बुक स्लिप को, और फिर बाद में हम क्या करेंगे जब बन जाएगा तो उसका आधी पेमेंट अभी कर बाद में कर देंगे। ठीक है ओके ठीक, चलिए तो मैं चलता हूँ। ठीक है अभी फिर मैं आपसे कल मिलूँगा, आप मेरे घर पे आ जाइएगा, मेरा एड्रेस है मालनी गली बिनती। ठीक ओके चलो अच्छा है, ये घर आ जाओ आगे। अच्छा वो मीटिंग फिक्स हो गई, अब सब झंझट खत्म, कल वो मैडम आ जाएंगी और पूरा ग्राउंड सही हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, हाँ अब थोड़ी शांति मिली। और अभी हम जाके उनको क्या कहते हैं बैंक से चेक ले आते हैं, जल्दी से कैश ले आते हैं। सुबह हो गई, अभी बस वो लोग आते ही होंगे, उन लोगों ने 9 बजे का टाइम दिया था, 9:15 बस आते ही होंगे, आते ही होंगे शायद। अरे आप आ गई। हाँ तो ये क्या करना है कि आपको ये पेड़ वेड़ कटवा देने जैसे दिख रहा है। अरे उठिए उठिए, ओ माय गॉड लगता है अब इनके भाई को बुलाना पड़ेगा, जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये तो भी होश हो गए। कैसे हो भाई, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें मतलब तुम बेहोश हो गए थे तो हम लोग तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने हम लोग को बताया था कि तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से यानी कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से थोड़ी सी तुम्हें लंग्स में प्रॉब्लम्स हो गई थी और गर्मी भी इतनी थी तो तुम बेहोश हो गए। और डॉक्टर ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई बीमारी भी हो सकती है बड़ी, और ये ऐसे ही तुम अगर 2-3 बार और बेहोश हुए इसी वजह से तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी। तो अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था तुमसे पेड़ काटने को लिए क्यों मना कर रहे थे हम लोग तुमसे। तो देखो अभी तुम इनको कटवाने देते, एक तो हम लोग की जगह आसपास में बहुत कम पेड़ है, हम लोग क्या है अभी इतने में तुम्हें चक्कर आ गए, अगर ये भी कट गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो बचोगे नहीं, समझो थोड़ा सा। तुम सही कह रहे हो भाई, ये हमने गलती कर ली थी, हम लोग अपने जरा से स्वार्थ के लिए इन पेड़ों की बलि चढ़ा देते हैं तभी ये कोरोना आया। हम ये इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाए,
तो इसीलिए प्रकृति ने अब हम लोग को बहुत मौका दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो इसी वजह से प्रकृति ने अब अपना एक हथियार मारा है हम लोगों के ऊपर, तो वही हथियार है कोरोना। अब हमें इससे बचना होगा, हमें और पेड़ लगाने होंगे। भाई मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक भी पेड़ नहीं काटूँगा और मैं हमेशा से अब नए और पौधे उगाऊँगा। देख लेना, मैं अपना गार्डन जितना हरा भरा उससे दुगना हरा भरा कर दूँगा, खूब सारे पेड़ लगाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने तुम पर गुस्सा किया और तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं बिल्कुल नासमझ हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें समझ में तो आई बात। चलो अब से पेड़ मत काटना बिल्कुल भी, यही ऐसे ही रहो। कोरोना में इतने समय बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं, घर में रहो, अपना ख्याल रखो, और सब आप सभी को भी कभी भी पेड़ मत काटिए, नहीं तो ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है। थैंक यू। Thanks for watching and happy World Environment Day. Thank you.